नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है हिंदी में वर्णमाला, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्वर, स्वर के प्रकार और उनके उच्चारण स्थान देख लिए थे, आज हम इस वीडियो में व्यंजन के बारे में जानेंगे। आखिर में व्यंजन कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्यंजन। आखिर में व्यंजन कहते किसे हैं? तो वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे आपके क, ख, ग, ये सभी आपके क्या है? व्यंजन है। तो ये जो व्यंजन है, ये जितने भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। अब जैसे क है तो क प्लस अ, क यानी स्वर भी इसमें मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं शुद्ध व्यंजन को ऐसा होता है, तो शुद्ध व्यंजन जो होता है, व्यंजन के नीचे यदि हलंत लगा है तो व्यंजन कैसा है? शुद्ध व्यंजन। ठीक है, तो समझ गए व्यंजन क्या होते हैं। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है नीचे हलंत लगा हुआ। अगर हलंत लगा है तो व्यंजन कैसा है? वो व्यंजन आपका शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, अगर व्यंजन की संख्या की बात की जाए, एग्जाम में पूछ ले बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन आपके कितने हैं, तो व्यंजन आपके 33, कुल 33 व्यंजन होते हैं, 33। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन कितने हैं, संख्या जो है 33 है, और स्वर कितनी है संख्या, तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है भाई, अब इनके जो प्रकार है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है, और ये संयुक्त व्यंजन है। कुछ इन प्रकारों में व्यंजनों को बांटा गया है, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। अच्छा, स्पर्श व्यंजन होते क्या है और इन्हें हम स्पर्श व्यंजन ही क्यों कहते हैं? देखिए, जब भी हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, तो उच्चारण करने पर जो जीव है हमारी, मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 25। ठीक है, यानी का से लेकर के मा तक जितने भी व्यंजन हैं, सभी व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या फिर क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी व्यंजन हैं, सभी क्या कहलाएंगे? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। मैंने आपको बताया था कंठ किसे कहते हैं, उच्चारण करने पर जो वायु है सीधे कंठ गले से होके हुए निकलती है, उसे कंठ कहते हैं। चावर की जितनी ध्वनियां हैं तालब्य कहते हैं, वो तालब्य के अंदर आ जाएंगी। तालब्य तालु किसे कहते हैं, तो मुंह के ऊपर की जो छत है उसका पिछला भाग आपका क्या कहलाता है? तालब्य कहता है। टावर की मूर्धन्य, मूर्धा किसे कहते हैं? मुंह के ऊपर की छत का आगे वाला भाग। तावर्ग में आपके दंत उच्चारण स्थान होगा, दांत होता है। पवर्ग में ओंट होते हैं। ठीक है, तो क वर्ग में कंठ ध्वनिया क ख ग घ इंग्या, यानी उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ ध्वनिया क ख ग घ इंग्या इस तरीके से। तालब में क्या होता है, जीव किसे स्पर्श करेगी? तालु के स्पर्श करती है, उच्चारण करते हैं च छ ज झ वहां इस तरीके से। मूर्धन्य में क्या होता है, जो जीव है किसे स्पर्श करती है? मूर्धा को, यानी मुंह के ऊपर की छत के आगे वाले भाग, उच्चारण करिए अच्छा ट ठ ड ढ ण। ठीक है, दंत में क्या होता है, जो जीव होती है वो स्पर्श किसे करती है? दांत को स्पर्श करती है, त थ द ध न इस तरीके से। ओष्ठ में क्या होता है, उच्चारण करने पर आपस में ओंठ जो होते हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, प फ ब भ म, यानी बिना ओंठ स्पर्श करे ने हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो अगर पूछा जाए आपके हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने हैं, तो कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही अक्षर होते हैं। ठीक है, क वर्ग को कंठ उच्चारण स्थान है, च वर्ग का तालब्य है, ट वर्ग का मूर्धन्य है,
टवर का दंत है और पवर का ओष्ठ है। तो स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया आपको, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक जितने भी आपके व्यंजन हैं सभी आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है आपकी। अब बात आती है अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, आखिर ये होते क्या है? ठीक है, अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है आपका? अघोष कहलाता है। तो अघोष कहते कैसे हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर क्या ना हो, कंपन, टंकार, झंकार ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अघोष। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर कंपन ना हो उन्हें कहेंगे हम अघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। अब सघोष क्या होता है? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर टंकार, झंकार, कंपन यदि हो रही है तो आपके क्या कहलाएंगे? तो सघोष कहलाएंगे। और सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाए, बताओ सघोष किसे, घोष किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर ने हमें बताया ही नहीं कि घोष क्या होते हैं। तो घोष और सघोष एक ही बात है। ठीक है, समझ गए आप? जैसे क ख वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ग घ इंग इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रही है उच्चारण करने पर, तो वो कैसे हैं? कंपन अगर हो रही है तो सघोष है और कंपन नहीं हो रही है तो अघोष है। समझ गए आप? ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्पमीस होता है कम और महामीस होता है अधिक। अल्पप्राण का मतलब होता है उच्चारण करने पर मुख से हवा यदि कम निकले तो वहां उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और मुख से हवा ज्यादा निकले तो उसे कहते हैं हम महाप्राण। जैसे क और ख, अब इसमें क में हवा मुख से ज्यादा निकल रही है, खा में हाथ रख के ऐसे देखो क ख, तो यहां पर क्या होगा? क में कम निकल रही है और खा में ज्यादा निकल रही है, तो क अल्पप्राण है, ख महाप्राण। इसी प्रकार गा में कम निकले तो गा अल्पप्राण है और घ आपका महाप्राण है, और इंग्या आपका कम मुख से हवा निकल रही है उच्चारण करने पर तो ये अल्पप्राण है। ठीक है, इसे हम नाशिक के ध्वनियां भी कहते हैं, यहां लिख सकते हो नाशिक के। ठीक है, क्योंकि हवा जो है तो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग का आपका पहला दूसरा वर्ण आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका सघोष कहलाएगा। और इधर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, इस तरीके से आपका क्रम चलेगा। तो समझ गए स्पर्श व्यंजन के बारे में और स्पर्श व्यंजन कहते कैसे हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंदर ही स्थित, उच्चारण करने पर ऐसा लगे अंदर ही स्थित हो। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? चार, एक, दो, तीन, चार। या, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन है आपके? अंतस्थ व्यंजन है या, र, ल, व। अब इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? या का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और वा का दंतोष्ठ है। तो इन चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। और क्या होता है? जो अंतस्थ व्यंजन है आपके सघोष होते हैं और ये अल्पप्राण होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले, बताइए या जो है अघोष है कि सघोष है? तो कैसा है? सघोष है। अल्पप्राण है कि महाप्राण है? तो कैसा है? अल्पप्राण है। ठीक है, तो या, र, ल, व ये आपके अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं और इनके मैंने उच्चारण स्थान भी आपको लिख दिए। ठीक है, आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन वे होते हैं जो दूसरे देश की भाषा से आए हुए व्यंजन, उन्हें कहते हैं आगत व्यंजन। जैसे ज और फा, ये बिंदी नीचे रखी है तो ये व्यंजन कैसे हैं? आगत व्यंजन है। इन्हें ही हम अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं, इन्हें ही हम नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो आगत व्यंजन को अरबी फारसी ध्वनियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो आपके आगत व्यंजन होते हैं और चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन।
तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, जुड़ने से, इकट्ठे होने से, यानी दो वर्णों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? चार है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये आपके चार होते हैं। छ जो बना है का और शा के मिलने से बना है, तावन अत्रा बना है त और रा के मिलने से बना है, ज्ञा जो है ज और वा के मिलने से बना है, सा जो है सा, श्र जो है सा और रा के मिलने से बना है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये मैंने आपको बता भी दिए हैं कि व्यंजन से ये बनकर बनते हैं। ठीक है, ऊष्म्यंजन, ऊष्म्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म्यंजन की संख्या भी आपकी चार है। अंतस्थ व्यंजन चार है, ऊष्म्यंजन चार है और आपके संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो भी चार है। तो कौन कौन से होते हैं? श, स, सा और ह। अब इन्हें हम, इसका क्या होता है उच्चारण स्थान? तालब्य है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और इसका क्या है? स्वर यंत्रीय है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले बताइए तीनों ही जो श हैं वो आपके अघोष हैं कि सघोष हैं, तो आपके ये अघोष हैं। अल्पप्राण है कि महाप्राण है? तो ये आपके महाप्राण है। ठीक है, तो उस व्यंजन भी आप देख लिए। अब अगले पॉइंट है अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो या और वा, ये कैसे हैं? अर्धस्वर हैं आपके। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? तो लुंठित व्यंजन एक ही है। कौन सा है वो? रा जो है आपका लुंठित व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ला जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। और उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त और द्विगुण एक ही नाम है, ड और ड। तो ये आपके मोस्ट जितने भी मैंने बोर्ड पे आप देख रहे हो आपके लिए व्यंजन से टोटल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी आप देख रहे हो। तो व्यंजन जो टॉपिक है आपका यहीं पर आपका खत्म होता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं वो भी मैंने बता दिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।